तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक्स। तो भाई फाइनली 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 इन्फिनिक्स जीटी 10 प्रो लॉन्च हो चुका है भाई। एंड मैंने मेरे पिछले वाले इन्फिनिक्स जीटी 10 प्रो के वीडियो में कहा था, अगर ये 20,000 के प्राइस रेंज आता है तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फोन हो सकता है। एंड भाई लकीली ये 20,000 के प्राइस रेंज के अंदर या है 19,999 के प्राइस में। एंड हाँ, मैंने जैसा कहा था, ये बेस्ट फोन है 20,000 में। भाई तुम इसका प्रोसेसर उठा के देख लो, इसे डिस्प्ले उठा के देख लो, इसे कैमरा उठा के देख लो, एंड मेनली इसे डिजाइन उठा के देख लो भाई, हर चीज में ये बेस्ट है। मतलब भाई इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा डिजाइन, इतना अच्छा कैमरा, भाई थोड़ा इतना अच्छा नहीं होगा, बट हाँ एक मतलब आपको एक अच्छा फोटो खींच के दे सकता है। मतलब टॉप नॉच कैमरा नहीं है इसका, बट है इसका इतना अच्छा डिजाइन में टॉप नॉच, इससे मतलब आस पास भी कोई नहीं। बट भाई बहुत से लोग कह रहे हैं भाई ये नथिंग का कॉपी है। भाई नथिंग का कैसे कॉपी हो सकता है भाई? में ग्रिप लाइट है, यहाँ पे थोड़े से ग्रिप लाइट है, डिजाइन थोड़ा मैच करता है भाई, इंस्पायर्ड है, बट कॉपी नहीं भाई। इन्फिनिक्स के व्हाइट जीटी 10 प्रो के जो व्हाइट वाला मतलब कलर वाला वेरियंट है, उस पर कलर चेंजिंग बैक है भाई, मतलब पूरा कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड का भाई। इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एक बहुत अच्छा डिजाइन दिया है, तो इस प्राइस में दिया है। नथिंग का फोन भाई 20,000 नहीं, 25-30 हज़ार के फोन था भाई। हैंड ये भाई कितना मतलब कम प्राइस में इतना अच्छा डिजाइन के साथ आया, इतना परफॉर्मेंस दे रहा है, इतना अच्छा कैमरा दे रहा है, हर चीज़ में अच्छा चीज़ दे रहा है। तो भाई क्यों भाई यार मतलब बुरी चीज़ फैला रहे हो भाई? कोई कंपनी अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट क्यों कर रहे हो भाई? डिसअप्रिशिएट मत करो भाई, रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, प्लीज ऐसा मत करो भाई। इन्फिनिक्स ने बहुत अच्छा काम किया है इस बार भाई, मतलब भाई बहुत अमेजिंग काम किया है। क्योंकि भाई इसका कैमरा अच्छा है, इसका प्रोसेसर अच्छा है, इसका बैटरी अच्छा है, इसका चार्जिंग अच्छा है, इसका डिस्प्ले अच्छा है, भाई हर चीज़ में भाई, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट में कोई कंजूसी नहीं है। हाँ सिर्फ एक जगह पे थोड़ा और अच्छा हो सकता था, मतलब मैं डिमांड नहीं कर रहा भाई इस प्राइस ने, इस प्राइस रेंज में बहुत कुछ दे चुका है इन्फिनिक्स, बट मैं डिमांड नहीं कर रहा। बट हाँ एक चीज़, UFS 3.1 के साथ LPDDR 5 दे रहा तो अच्छा होता, बट LPDDR 4X भी बुरा नहीं है, बट LPDDR 5 दे सकता था इन्फिनिक्स 05D में। LPDDR 5 विद UFS 3.1 मतलब इन्फिनिक्स ने दिया था, तो भाई ये देता तो थोड़ा और भी अच्छा होता, बट ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंजूसी वाली चीज़ इन्फिनिक्स ने नहीं दी, ये होता तो और अच्छा होता। ठीक है, तो भाई मतलब अगर आप अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में एक फ़ोन ढूंढ रहे हो तो भाई ये बेस्ट फ़ोन है। मतलब भाई आंख बंद करके ले लो भाई, हर चीज़ में आपका मतलब काम ये चला देगा भाई। जी लो, कैमरा कह लो, डिस्प्ले कह लो, प्रोसेसर कह लो, हर चीज़ में डिज़ाइन तो भाई मतलब क्या ही कहने भाई। 20,000 के प्राइस में इच्छा सा तो डिज़ाइन आपको मिलने से रहा। तो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसके बाद फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय। अरे भाई भाई भाई, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? अमेजिंग सी चीज कहना तो रह ही गया भाई। इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया है GT10 प्रो, वो तो मैंने आपको बता दिया कैसा है, वो भी बता दिया क्या कमियां है, कमियां तो वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी कमी है वो भी बता दिया, बट भाई 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 इतिहास गवाए, जब भी इन्फिनिक्स ने कुछ अमेजिंग लॉन्च किया है तभी टेक्नो ने भी अमेजिंग सी चीजें लॉन्च किए। तो भाई न्यूज एक उठ के आई है, टेक्नो लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी अपना टेक्नो पोवा 5 प्रो, एंड इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर। एंड ये मैं मुझे लीक मिला है, तो भाई जो जो मतलब अभी 20,000 के अंदर कोई फ़ोन नहीं ले रहे, तो भाई रुको भाई, एक और अमेजिंग सा फ़ोन शायद आने वाला है, तो रुक जाओ। ठीक है, तो आप सचमुच वीडियो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया है, एंड भाई जिन्होंने फिर भी नहीं कर रहे, भाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मैं आपका दुश्मन लगता हूँ क्या? दुश्मन नहीं हो ना, तो भाई कर दो भाई, प्लीज़ विनती है भाई, प्लीज़ कर दो भाई, चैनल बहुत डाउन चल रहा है भाई, तो कर दो भाई, एंड शेयर भी कर दो भाई, मैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ, एंड टेक चीज़ों का अनबॉक्सिंग भी करता हूँ, तो भाई कर दो प्लीज़ भाई, कर देना। ठीक है, तो भाई वीडियो हो गया खत्म, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बने रहना क्रैक्स टेक के साथ।